हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 14 ट्यूटोरियल है लारावेल का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्रीज और डाटाबेस सीडर के बारे में और फेकर के बारे में। देखिए, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे सामने क्या करती हैं, ये आपके यूज़र को क्रिएट करती हैं, फेक यूज़र को। अगर आप बहुत सारे यूज़र क्रिएट करने सिंपल 2 या 3 सेकेंड्स में, वो आपको क्रिएट करके देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे डाटाबेस फैक्ट्रीज फोल्डर में, या मेड फैक्ट्री डॉट पी एच पी में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फैक्ट्री समझिए एग्जांपल, जैसे कोई कार की फैक्ट्री है, वो अलग अलग मॉडल्स के कार निकालती है, उसी तरह से ये फैक्ट्री क्या करेगी, आपके यूज़र के अलग अलग यूज़र को क्रिएट करेगी। और फेकर क्या करेगा, आपका जनरेट करेगा फेक नेम, सारे फेक नेम जनरेट करेगा, नए नए न्यू नेम जनरेट करेगा। हमें जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड, और पासवर्ड यहाँ क्या है, सीक्रेट है, जो कि आपका डिक्रिप्ट कर रखा है। अब देखिए, अब हम सिर्फ हमें ये करना है, हमें ये बताना है इन्हें कि हमें कितने यूज़र को चाहिए, कितने यूज़र हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे किसमें, सीड्स में, यहीं डाटाबेस में, सीड्स फोल्डर में। डाटाबेस सीडर है, यहाँ पर फाइल होगी, यहाँ पर आपको बताना है कि कितने डाटाबेस हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे हम फैक्ट्री इस तरीके से, और फिर लिखेंगे ऐप, और फिर लिखेंगे स्लैश यूज़र, और फिर कॉमा कॉमा, फिर लगाएंगे यहाँ पर क्लास, और फिर कॉमा लगा के हमें बताना होगा कि कितनी क्लास हमें चाहिए। हमें चाहिए 75 नंबर ऑफ़ यूज़र, तो हमने लिखा 75। फिर हमें कमांड देंगे इसको क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट, और ये हमारी क्रिएट अभी नहीं होंगी, हमें माइग्रेट करना पड़ेगा पहले अपने डाटाबेस को। तो सबसे पहले एक सीएमडी खोलिए, कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ पर लिखिए PHP अर्थदान DB सीड, ये क्या करे आपका 75 आपकी क्रिएट कर देगा। तो एंटर दबाएंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 सेकेंड, और फिर ये आपकी क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप अपने डाटाबेस में देखेंगे, यहाँ पर डाटाबेस में जाएंगे, अगर आप PHP एडमिन में, तो देखिए अभी हमारे पास कोई भी चलते हैं यूज़र में नहीं है। अब रिफ्रेश करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर 75 देखिए, और उससे भी ज़्यादा आपके आईडी आपकी क्रिएट हो जाएंगी, या फिर आपके लिए यूज़र आपके क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, माइग्रेट हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अपने यूज़र का व्यू क्रिएट करेंगे। तो अगर याद होगा आपको, अगर हम हमारे ट्यूटोरियल पहले से फॉलो कर रहे होंगे, तो हमने यूज़र के लिए एक सिंपल सा व्यू बनाया था, जिसमें हमने प्रिंट करवाया था हेलो हाय इस तरीके से। तो देखिए, न्यू कंट्रोलर में, हमारे न्यू कंट्रोलर में एक न्यू फंक्शन था, जिसमें हम न्यू हमारे जो ब्लेड PHP है उसको व्यू कर रहे थे, उसका रिटर्न कर रहे थे व्यू। अब हम क्या करेंगे, सारे यूज़र को रिटर्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, एक वेरिएबल देंगे जिसमें हम सारे यूज़र को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ लिखते हैं यूज़र्स इस तरीके से, और यूज़र को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़र। तो यूज़र यूज़ लिखते हैं, और फिर लिख देंगे ऐप, और फिर लिखेंगे स्लैश, और फिर लिखेंगे यूज़र, ताकि हम यूज़र को यूज़ कर सकें। और इस यूज़र में हम लोग क्या करेंगे, सारे यूज़र को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र :: ऑल, जितने भी यूज़र हमारे डाटाबेस में क्रिएट होंगे वो सारे डाटाबेस में हमारे आ जाएंगे। सेव करते हैं इस फाइल को। अब देखिए, हमें इसे कॉम्पैक्ट भी करना है, भेजना भी है, तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले कॉमा, फिर लिखेंगे कॉम्पैक्ट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को सेंड करेंगे। तो यहाँ सिंगल कोटेशंस के अंदर, और यहाँ लिखेंगे यूज़र अपने वेरिएबल का नेम, जो कि है यूज़र्स। देखिए, सेव करते हैं इसे, और फिर हम जाएंगे न्यू ब्लेड PHP में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपल कुछ नहीं कर रखा है, इसमें एक सिंपल सा पहले डाटा बेस्ड और सॉरी बूटस्ट्रैप और CSS का कोड लिखा हुआ है सिंपल सा, और हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है लेआउट्स में जो हमारी ऐप फाइल थी, उसे एक्सटेंड किया है। और देखिए, यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक फॉर ईच का लूप लगाया है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है फॉर ईच लूप क्या होता है। और फिर हमने क्या किया, एक नेम प्रिंट करवाया है यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि कब हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए हमने कोड लिखा है यूज़र क्रिएटेड एड एट, फिर लिखा है डिफ फॉर ह्यूमंस, इसका मतलब यह है कि कितने टाइम पहले हमारा क्रिएट हुआ है, और एक बटन बनाया है क्लिक में, सिंपल सा बस इतना सा ही कोड है हमारा। अब देखिए, इसे रिफ्रेश करते हैं, सारी फाइल को सेव कर लीजिएगा ताकि आपका एरर ना आए। डाटा सीडर में भी जाएंगे, सेव करेंगे, न्यू ब्लेड में भी सेव कर देते हैं, न्यू कंट्रोलर में भी रिफ्रेश करते हैं, और अब हम जाएंगे यूज़र में, तो यहाँ डालेंगे स्लैश यूज़र, एंटर दबाएंगे, तो इस तरह से हमारे देखिए सारे यूज़र हमारे क्रिएट होके आ गए, और इसमें लिखा रहा है क्लिक मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।